ब्रह्मांड सिर्फ उतना ही अद्भुत नहीं है जितना हम सोचते हैं या जितना हम सोच रहे हैं, यह उससे कहीं अधिक अद्भुत है। ब्रह्मांड हमारी कल्पना से अधिक जटिल और रहस्यमय है। हम जिन परिकल्पनाओं या सिद्धांतों को बनाते हैं उनकी पुष्टि ऑब्जर्वेशन से अवश्य होनी चाहिए। यही कारण है कि खगोल वैज्ञानिक दिन प्रतिदिन प्रेक्षणों के लिए नई और बेहतर तकनीकों की खोज कर रहे हैं, ताकि अपनी परिकल्पनाओं और सिद्धांतों को सिद्ध करने के लिए ब्रह्मांड के बारे में अधिक से अधिक जानकारी हासिल कर सकें। नई नई खोजों के आधार पर ब्रह्मांड से संबंधित परिकल्पनाओं और सिद्धांतों में हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं। कभी कभी कोई सिद्धांत गलत भी साबित हो सकता है। ऑब्जर्वेशन से मिली हुई जानकारियों का गलत भी मतलब निकाला जा सकता है। वास्तव में यह जरूरी नहीं है कि कोई भी सिद्धांत ब्रह्मांड के बारे में किए गए ऑब्जर्वेशन से 100% मेल खाता हो, बल्कि हकीकत तो ये है कि ब्रह्मांड के विषय में एक सही सिद्धांत वही है जो उससे संबंधित ऑब्जर्वेशन के साथ काफ़ी हद तक मेल खाता हो। दूसरी तरफ ब्रह्मांड के विषय में कुछ सिद्धांत केवल काल्पनिक हैं। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि आखिर ऑब्जर्वेशन पर आधारित वे कौन से प्रमाण हैं जो ये मानने पर मजबूर करते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग से हुई। वैसे तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में कई सिद्धांत हैं, लेकिन ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण व प्रचलित सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की शुरुआत एक बहुत बड़े विस्फोट से हुई। यह कोई ऐसा विस्फोट नहीं था जैसे विस्फोटों से हम परिचित हैं जो केंद्र से बाहर की ओर फैलते हैं, बल्कि यह एक ऐसा विस्फोट था जो एक ही समय में पूरे ब्रह्मांड में हुआ था। इस विस्फोट के कारण अत्यंत गर्म और अत्यंत सघन पदार्थ से पूरा अंतरिक्ष भर गया। यह अंतरिक्ष में किसी पदार्थ का नहीं बल्कि स्वयं अंतरिक्ष का विस्फोट था। पदार्थ का हरेक कण एक दूसरे से दूर हो गया। आज तक ब्रह्मांड की उत्पत्ति के प्रथम क्षण की तस्वीर खींच पाना असंभव है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बाद एक सेकंड के 100वें हिस्से के समय में होने वाली क्रियाओं के संबंध में ही वैज्ञानिक विश्वासपूर्वक कुछ कह सकते हैं। उस क्षण में ब्रह्मांड का तापमान लगभग 1 खरब डिग्री सेल्सियस था। यह सबसे गर्म तारे के केंद्र से भी कहीं अधिक गर्म था। ऐसे तापमान पर सामान्य पदार्थ के कोई भी घटक, परमाणु, अणु और यहाँ तक कि परमाणु नाभिक भी एक साथ नहीं रह सकते। विस्फोट में अलग होकर फैलने वाला पदार्थ विविध प्रकार के मूल कणों से बना था। शुरू में ब्रह्मांड में इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रॉनों की अधिकता थी। इसके अलावा शेष ब्रह्मांड ऊर्जा से भरा था। यह एक प्रकार से कॉस्मिक सोप था। जैसे जैसे विस्फोट होते गए, पदार्थ और ऊर्जा फैलते गए, ब्रह्मांड का विस्तार हुआ और तापमान कम हो गया। पहले 3 मिनट के अंत तक तापमान काफी कम, लगभग 1 अरब डिग्री सेल्सियस हो गया, जिससे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर सामान्य नाभिक बनने शुरू हुए। ब्रह्मांड में सबसे पहले भारी हाइड्रोजन के परमाणु बने। प्रत्येक नाभिक एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन से बना था। तापमान अभी भी इतना अधिक था कि परमाणु बनते ही विघटित हो जाते। यह पदार्थ लगातार फैल रहा था और धीरे धीरे ठंडा और कम घना होता गया और कई हजार वर्षों बाद काफी ठंडा हो गया। शीघ्र ही उत्पन्न गैस ने गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण छोटे छोटे पिंडों का स्वरूप ग्रहण करना शुरू कर दिया और फिर बाद में इन पिंडों ने बिग बैंग विस्फोट के लगभग 5 अरब वर्ष बाद घनीभूत होकर वर्तमान ब्रह्मांड की आकाश गंगाओं और तारों का निर्माण किया। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में एक और सिद्धांत है जिसे स्थायी अवस्था सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड हमेशा से ही ऐसा था जैसा आज है। जैसे जैसे यह फैलता है वैसे वैसे आकाश गंगाओं के बीच की दूरी को पूरा करने के लिए लगातार नए पदार्थ का निर्माण होता है। परंतु ब्रह्मांड की उत्पत्ति और प्रारंभिक स्थिति की मान्यता को यह कहकर अस्वीकार कर दिया गया कि प्रारंभिक ब्रह्मांड जैसी कोई चीज नहीं थी, फिर भी खगोल भौतिक वैज्ञानिकों ने बिग बैंग सिद्धांत का ही समर्थन किया। ऐसा क्यों है? दोस्तों, इसका कारण ऑब्जर्वेशंस पर आधारित वे प्रमाण हैं जो बिग बैंग सिद्धांत का समर्थन करते हैं। एक प्रमाण तो फैलते ब्रह्मांड से मिलता है। यदि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है तो इसका अर्थ है कि लाखों वर्ष पहले ब्रह्मांड बहुत ही संकुचित था और आकाश गंगाएं एक दूसरे के बहुत करीब थीं। फैलते हुए ब्रह्मांड से ये पता चलता है कि ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्थाओं में पदार्थ बहुत घने रूप से भरा पड़ा था। इसका प्रमाण दूर स्थित पिंडों से भी मिलता है।
जब हम 6 से 8 अरब प्रकाश वर्ष दूर स्थित क्वासर्ज को देखते हैं तो वो हमें उसी रूप में दिखाई देते हैं जैसे वे 6 से 8 अरब वर्ष पहले थे। यदि उस युग में ब्रह्मांड अधिक घना था तो उस घनत्व का प्रमाण हमें इन क्वासर्जों में मिलना चाहिए और मिला भी। इन क्वासर्जों का घनत्व काफ़ी अधिक है। बिग बैंग सिद्धांत के पक्ष में अन्य महत्वपूर्ण प्रमाण कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन से मिलता है। अनेक वर्षों तक खगोलशास्त्री यह विश्वास करते रहे कि यदि बहुत पहले कोई अंतरिक्षीय विस्फोट हुआ था तो उस प्रक्रिया से उत्पन्न कोई विकिरण अब भी ब्रह्मांड में मौजूद होना चाहिए, यह विकिरण भले ही कमजोर हो। ब्रह्मांड के फैलने और ठंडा होने के कारण भले ही इसकी ऊर्जा समाप्त हो चुकी हो, किंतु ब्रह्मांड में इसका अस्तित्व तो होना ही चाहिए। वास्तव में रेडियो खगोल शास्त्रियों ने कुछ अस्पष्ट संकेत रेडियो शोर खोजे जो लगातार पूरे अंतरिक्ष में विद्यमान हैं। खगोल भौतिक वैज्ञानिकों द्वारा की गई गणनाओं से पता चलता है कि यह विकिरण, जिसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन कहा जाता है, प्राचीन अतीत का अवशेष है जब ब्रह्मांड बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार सृष्टि के प्रारंभिक चरण में था। पिछले 2 दशकों में वैज्ञानिकों द्वारा की गई एक अन्य खोज प्रारंभिक तत्वों की अधिकता है, अर्थात सृष्टि के बाद सबसे पहले उत्पन्न तत्व हाइड्रोजन और हीलियम ब्रह्मांड में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ब्रह्मांड के विभिन्न भागों से आने वाले प्रकाश का परीक्षण करने से वैज्ञानिकों ने पाया कि प्रत्येक 100 परमाणुओं में से लगभग 93 हाइड्रोजन परमाणु हैं और 7 हीलियम परमाणु हैं। हीलियम से भारी तत्व बहुत ही कम मात्रा में हैं। इससे पता चलता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत बिग बैंग से एक बहुत गर्म और घनी अवस्था में हुई और फैलने के साथ साथ यह तेजी से ठंडा होता गया। यह गर्म और घनी अवस्था उतने ही समय तक रही जिसमें कुछ हाइड्रोजन संयोजित होकर हीलियम में बदल गई, किंतु यह अवस्था अधिक समय तक नहीं रही जिससे भारी तत्व और अधिक मात्रा में बन पाते। ये तत्व काफ़ी समय बाद अति विशाल तारों के भीतरी हिस्से में बने। ये सभी प्रमाण वे प्रमाण हैं जिनका समर्थन लगभग सभी वैज्ञानिक करते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए।